हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस होम डिज़ाइन के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 17 फीट इंटू 33 फीट का घर का डिज़ाइन। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट एलिवेशन इसका यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर में क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो छोटी सी वीडियो है तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट में मेन गेट हो जाता है। मेन गेट के अंदर में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग से होते हुए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। और यहाँ पे बैक साइड में किचन दिया गया है। सामने यहाँ पे डाइनिंग लॉबी भी दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने एक सीढ़ी है। इस दरवाज़ा से जब सीढ़ी के अंदर आएंगे तो इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पे सीढ़ी के नीचे एक टॉयलेट बनाना है, तो इस साइड में यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। तो वैसे तो वास्तु के अकॉर्डिंग टॉयलेट बाथरूम सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा। तो चलिए अब इसका फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद इस तरह से यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है। ठीक है, सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक गली हो जाएगा। और यहाँ पे सामने एक बेडरूम है, और बेडरूम के पीछे में एक कटआउट दिया गया है जो कि एज ए बालकनी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, और फ्रंट में यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, और बेडरूम के सामने यहाँ पे एक बालकनी भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन है। तो चलिए इसका नक्शा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साउथ फेसिंग घर का नक्शा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का नक्शा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो प्लॉट की चौड़ाई है 17 फीट है और लंबाई 33 फीट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक पार्किंग दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग का साइज देख सकते हैं, 9 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 7 इंच दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पार्किंग से इस डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक लिविंग हॉल मिल जाता है, जिसका साइज 16 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 2 इंच का दिया गया है। और इधर से यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है, 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे चौड़ाई सीढ़ी का लिए हैं। इधर से आएंगे और ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में आप देख सकते हैं एक किचन दिए हैं 8 फीट बाई 7 फीट का, और सामने यहाँ पे 7 फीट 9 इंच का यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉबी दिया गया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आप फर्स्ट फ्लोर का नक्शा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सीढ़ी पे जैसे ही ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे सीढ़ी को ब्लॉक कर दिया गया है। सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, 3 फीट 9 इंच का यहाँ पे एक कॉरिडोर मिल जाता है। और सामने यहाँ पे देख सकते हैं एक बेडरूम है, जिसका साइज 11 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का दिया गया है। और पीछे यहाँ पे 3 फीट का यहाँ पे बालकनी दिए हैं। और इस साइड में यहाँ पे 4 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया गया है। सामने यहाँ पे बेसिन वगैरह लगाए हैं, तो यहाँ पे हाथ पाथ धोने के लिए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट में 12 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 2 इंच का यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है, और फ्रंट में 4 फीट का यहाँ पे बालकनी दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है, ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है। आई होप कि ये नक्शा आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप भी इसी तरह का मेरे से नक्शा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।